Welcome back students. In previous classes we have discussed about various points of chapter number 4 carbonates compounds. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is soaps and detergent. As we have discussed in the previous topics that soaps are the long hydrocarbon chains along with the sodium or potassium element. तो जो soap का formula होगा या soap का जो structure होगा वो इस तरह से होगा CH3COONa+, where Na is an iron and this CH3COOH is a hydrocarbon chain and this is sodium. Soaps जो formation होती है वो sodium और potassium के hydrocarbon chain से ही बनती है. यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. डेट इज वन पार्ट इज द CH3COO एंड अनदर पार्ट इज Na+. द CH3COO दिस पार्ट इज हाइड्रोकार्बन चेन विच इज टर्म्ड एज हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस सोडियम आयन इज टर्म्ड एज हाइड्रोफिलिक पार्ट. जनरली दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट इज नोन एज टेल एंड दिस हाइड्रोफिलिक पार्ट इज नोन एज हेड. ये एक तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं, मिलकर के एक तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दिस. यहाँ पे इसका एक सो दिस पार्ट इज टर्म्ड एज दिस इज द सोडियम Na+ आयन एंड दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन. दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन. व्हेनेवर वी वांट टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द क्लोथ, हमें क्लोथ से डर्ट को रिमूव करना है. इन दैट कंडीशन डर्ट इज ऑयली पार्ट, ऑयली सब्सटेंस. मोस्टली जो भी डर्ट्स होती हैं जो क्लोथ के ऊपर जमा होती है वो ऑयली सब्सटेंस कंसिडर की जाती हैं विच कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती. जब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकती इसलिए हमने यह कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट किया. हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यदि हम इस तरह का कुछ चेन बनाते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये डर्ट को रिमूव कर देगा क्लोथ से. जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी गंदगी है उस गंदगी को ये हटा देगा. ये किस तरह से हटाता है, किस तरह से ये काम करता है वो ही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. एक्चुअल में जो ऑयली सब्सटेंस डर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है ऑन द क्लोथ यह सिंपली वाटर से रिमूव नहीं होगा. इसके लिए
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई गई जिसमें आयन प्रेजेंट है, ठीक है। आयन के प्रेजेंट होने की वजह से यह डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे। एंड वी नो दैट आयनिक बॉन्ड्स और द आयन्स हैव मोर पावर देन द कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जो हमारा एक पीस ऑफ क्लोथ है लाइक दिस, दिस इज अ पीस ऑफ क्लोथ ऑन विच देयर इज डर्ट। यहाँ पे एक डर्ट है जिसको हमें रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम इस सोप को अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई सोप विद वाटर, सोप को वाटर के साथ अप्लाई किया जाएगा। जब सोप को हम वाटर के साथ अप्लाई करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखी, ये स्ट्रक्चर अराउंड द डर्ट एक फॉर्मेशन करेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा लाइक दिस। यस, इन दिस मैटर दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर बने, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिशेल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिशेल, जहां पे जब हम इसको वॉटर के साथ अप्लाई करते हैं, सोप विथ वॉटर, तो मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है। मिशेल के फॉर्मेशन में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मीन्स जो टेल है या हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, वो अराउंड द डर्ट, ये जो पीस है, ये जो हिस्सा है, दिस इज द डर्ट। यहाँ पे ये जो बाहर आपको दिख रहा है, दीज आर द सोडियम आयन्स एंड दीज जिगजैग्स आर टेल एंड व्हाट आर टेल्स, टेल इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। इस तरह के मिशेल का फॉर्मेशन यहां पे होगा। अब जब हम इन्हें रब करेंगे या इसको अप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा खींचेंगे, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो उसकी वजह से ये जो आयनिक पार्ट है, मीन्स जो हेड है, वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, मीन्स ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा। एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इज अटैच टू द आयन यहाँ पे, जिसके वजह से ये जो डर्ट है वो ब्रेक हो करके इस मिशेल के साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। दिस इज द वे बाय विच ए सोप वर्क्स। ये आपका सोप की फंक्शनिंग है, जिसके अंदर मिशेल्स होते हैं, मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है। मिशेल्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट इज नोन एज अ टेल, वेयर एज हाइड्रोफिलिक पार्ट इज नोन एज अ हेड। द स्ट्रक्चर ऑफ soap is shown to you. So this is all about the soaps. Now the next part that we have to discuss is the detergents. Detergents are the structure similar to the soap, but the soap works only with, सोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि ये वाटर के साथ वर्क करता है एंड द वाटर शुड बी सॉफ्ट इन नेचर. सॉफ्ट वाटर मीन्स इफ वी यूज हार्ड वाटर विद सोप देन दिस विल नॉट वर्क प्रॉपरली. ये आपका वर्क नहीं करेगा, विल नॉट वर्क प्रॉपरली. अब हमारे साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो आयंस हैं, सोडियम और पोटेशियम के आयंस हमने लिए थे, जो उसकी जगह सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट्स विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आया. मीन्स इनके जो आयंस हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए. सोडियम आयंस और एल्यूमिनियम अमोनियम साल्ट्स, सोडियम और अमोनियम के साल्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए गए. इस सोडियम आयन की जगह सोडियम आयन विद सोडियम साल्ट्स विद सल्फोनिक एसिड्स जो हाइड्रोकार्बन की चेन थी वहां पे एंड क्लोराइड्स और अमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड और ब्रोमाइड. ये कंपाउंड्स काम में लिए, इनकी भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि हार्ड वाटर के साथ जब हमने सोप काम में लिया था वर्क नहीं कर रहा था, बट जब हम ये वाले कंपाउंड्स काम में लेंगे इन द प्लेस ऑफ सोप तो यह प्रॉपरली वर्क करेगा और डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम आसानी से करेगा. सो द फंक्शनिंग ऑफ डिटर्जेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सोप्स, बट द डिफरेंस बिटवीन द सोप एंड डिटर्जेंट इज द आयंस और द चेन और द कंपाउंड्स दैट वी आर यूजिंग. केवल कंपाउंड्स चेंज होंगे जो कि डिजॉल्व हो सकते हैं विद द हार्ड वाटर ऑल्सो एंड हमारा जो क्लीनिंग का वर्क है वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4. थैंक यू.